जी, तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर आप अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप एक पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से एक एप्लीकेशन बनी है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें, पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप उसकी खुद फोनेटिक कीबोर्ड भी आप खुद ही डाउनलोड करें, और उसके साथ साथ उर्दू फ़ॉन्ट जो जमील नूरी नस्तलीक के नाम से है वो भी आप इंस्टॉल डाउनलोड करके उसको भी इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के अंदर, और फोनेटिक कीबोर्ड भी। ये दो तरीके हैं, ठीक है। इस आपके सामने लिंक खुला हुआ है इसके पाक उर्दू इंस्टॉलर का, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल भी जाएगा, वहाँ से भी मैं वो लिंक वहाँ पे रख दूँगा, वहाँ से आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस फाइल को डाउनलोड करें, इसको सेव करा दें। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद इसको आप इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सा मेथड है, जैसे आम कोई भी फाइल हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है, जैसे ही डाउनलोड होगी तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम साथ साथ दूसरा मेथड भी देखते हैं जब तक ये फाइल डाउनलोड होती है। आप क्या करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड फॉर विंडोज, ठीक है। ये साइट आपके सामने खुल गई, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसको फोनेटिक कीबोर्ड को डाउनलोड करेंगे। जब हमारा फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड हो जाए, इसको हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो लैंग्वेजेस के अंदर जाके ये हमें हमारे साथ यहाँ पर, जैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा पास दो, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरी उर्दू लैंग्वेज है। उर्दू लैंग्वेज कीबोर्ड पाक साइन के नाम से कीबोर्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये अब क्या करेगा, अब ये उर्दू लिखना स्टार्ट कर देगा। अब फोनेटिक कीबोर्ड क्यों ज़रूरी है, फोनेटिक कीबोर्ड इसलिए ज़रूरी है कि हम इन पेज में आमतौर पर जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो भी फोनेटिक कीबोर्ड ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी चूंकि प्रैक्टिस फोनेटिक कीबोर्ड की इन पेज की होती है, तो वही हम इसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी हम जहाँ भी चाहें उर्दू लिखना तो हम फोनेटिक कीबोर्ड के जरिए लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ हमने डाउनलोड करनी है जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट। अब देखें ये उर्दू लिख रहा है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है इसको लैंग्वेज को चेंज करने, एक तो ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करें फिर इसको चेंज करें, दूसरा शॉर्टकट ये है कि विंडोज़ की प्लस स्पेस बार इसको प्रेस करेंगे तो भी लैंग्वेज चेंज होगी। जैसे अब चेंज होगी, फिर चेंज करता हूँ तो ये उर्दू होगी, ये इंग्लिश होगी, ठीक है। हम यहाँ पर डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट डाउनलोड, किसी भी साइट से हम ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम ये फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो फिर हमने करना क्या है कि इस फ़ॉन्ट को हमने जाके सेव कराना है। सेव हम कहाँ पे कराएंगे, ये सारे पड़े हुए हैं, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को भी हम सेव करा दें, ठीक है। जैसे पहले वाली हो रही है, फोनेटिक कीबोर्ड भी हो गया है, ठीक है। हम इसको करेंगे क्या, फिर कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हम इसको रखेंगे फ़ॉन्ट्स के अंदर। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर फ़ॉन्ट, ठीक है। ये फ़ॉन्ट्स का फोल्डर है, फ़ॉन्ट्स के इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे लाके हम वो जो फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किए हुए हैं उन फ़ॉन्ट्स को हम यहाँ पे लाके सेव करा देंगे, ठीक है। ये सारे पड़े हैं, वहाँ से कॉपी करेंगे। सिंपली मेथड यही है कि हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे उसको ला के, जैसे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हम उसको वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से जाएं जमील नूरी नस्तलीक, ठीक हो गया ये फाइल, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये सिंपल वही TTF फाइल हैं, यहाँ से हम इनको करेंगे कॉपी और यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर, फ़ॉन्ट का जो फोल्डर था यहाँ के पे आके हम इनको पेस्ट कर देंगे। तो वहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, सपोज़ यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अब कुछ भी लिखना चाहते हैं, ये तो सिंपल इंग्लिश है, हम इंग्लिश लिख रहे हैं। और दूसरा मेथड, हम कुछ भी लिखना चाहते थे, हम इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, उर्दू आ गया, जो कीबोर्ड हमारा उर्दू शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे,
ठीक, ये फॉन्ट हमारा श्योर है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम जो भी लिखेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उर्दू, मेरा नाम, ठीक है, हम जो भी लिखना चाहें, पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये भी वही हमारे पास फाइल है एग्जी फाइल, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये खुद ब खुद ही इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको यस करते हैं, ठीक है, सिंपल मेथड है, नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, इसको फिनिश करेंगे। तो जैसे हम फिनिश करेंगे, इसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ हमें कोई भी लैंग्वेज या फॉन्ट में फोल्डर में जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद ही दोनों काम करेगा कि ये लैंग्वेज भी इंस्टॉल कर देगा, यहाँ पे खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ फॉन्ट भी फॉन्ट के फोल्डर के अंदर रख देगा, आपको यूज़ करने की वो काम करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।